अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। करने वालों को मौत भी जुदा नहीं कर सकती रुखसाना। अगर हसन को कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे थे वो गलत था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और आज जिस अदाकारा की, जिस हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ, वो कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में दोनों दौर देखे हैं, खुशियों से भरा हुआ दौर भी और खुशियों के लिए तरसता हुआ दौर भी। और वो हैं 80s और 90s की बहुत खूबसूरत और मशहूर हीरोइन बख्तावर खान, और उनका फिल्मी नाम है सोनम। गलत काम, गलत काम खुशी से नहीं, मजबूरी से किया जाता है। अगर आप जैसा शरीफ बाप मेरा होता तो क्या मैं ये काम करती? चलिए, आज से मैं ये काम नहीं करती, आप मुझे अपनी बेटी बना लीजिए। दो सितंबर 1972 में पैदा हुई थी सोनम एक पठान मुसलमान खानदान में। उनके वालिद का नाम था मुशीर खान और माँ का नाम था तलत खान। हम आपको ये भी बता दें कि सोनम रजा मुराद और जीनत अमन की नीस है। सोनम बचपन से ही बहुत हसीन और खूबसूरत थी और हीरोइन बनने की ख्वाहिश उनके दिल में पनप रही थी। सोनम के पिता मुशीर खान की बहुत ज़्यादा जान पहचान थी और कई फिल्मी लोगों से दोस्ती थी, इसलिए उनके दोस्त ने आके उनसे कहा और मशवरा दिया कि फिरोज़ खान को एक नई लड़की की तलाश है और माशाल्लाह हमारी बिटिया बहुत हसीन और ख़ूबसूरत है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि फिरोज़ खान जौहरी की नज़र रखते थे, और जब सोनम को उन्होंने पहली दफ़े देखा तो दिल में फैसला कर लिया, इस बच्ची को मैं फिल्मों में पहला ब्रेक दूंगा। लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। इसलिए 1987 में सोनम के पिता ने मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर यश चोपड़ा से अपनी बेटी को मिलवाया। चोपड़ा साहब उन दिनों एक बहुत बड़ी और मल्टी स्टार फिल्म बना रहे थे जिसमें तीन हीरोइंस थीं, हेमा मालिनी, मीनाक्षी शेषाद्री और तीसरी थी सोनम, और उस फिल्म का नाम था विजय। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि बख्तावर खान को फिल्मी नाम दिया सोनम यश चोपड़ा ने। विजय हिट हो गई और साथ ही साथ सोनम भी हिट हो गई, और उसके बाद सोनम ने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली जैसे विश्वात्मा, अजूबा और त्रिदेव। अजीब इत्तेफाक है जय, तुम जब भी मेरी जिंदगी में आए हमेशा किसी ना किसी तरीके से तुमने मेरी मदद ही की है। अच्छा ये बताओ, यहाँ आना कैसे हुआ तुम्हारा? दोस्तों, 70s के दौर में एक बहुत बड़ा बैनर था और उसका नाम था त्रिमूर्ति फिल्म्स, और उसके मालिक थे गुलशन राय और उनका बेटा राजीव राय। राजीव राय प्रोड्यूसर होने के साथ साथ डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, और उनकी डायरेक्शन में सोनम ने कई फिल्मों में काम किया, बहुत वक्त साथ में गुजारा, इंडोर भी आउटडोर भी शूटिंगें होती थी, सब इंजॉय करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिलों में मोहब्बत का जज्बा पनपने लगा और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली 1991 में। कुछ ही अरसे के बाद दोनों माँ बाप बन गए और उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा गौरव राय। 91 तक सोनम के पास सब कुछ था, इज्जत, दौलत, शोहरत और एक शानदार पति। सोनम कहती हैं कि बस यहीं से मेरी तकदीर ने पलटा खाया, माँ बनने के बाद भी मैं फिल्मों में काम करना चाहती थी लेकिन मेरे शोहर नहीं चाहते थे,
नतीजा ये निकला कि मोहब्बत का जो जज्बा था, साथ रहने की जो ख्वाहिश थी, आहिस्ता आहिस्ता घटती चली गई और रंजिश और तकरार शुरू हो गई। और हम दोनों ने फैसला किया कि इन हालात में साथ में रहना नामुमकिन है, इसलिए हम दोनों तलाक ले लेंगे। घरेलू परेशानी के अलावा सोनम को एक बहुत बड़ी तकलीफ थी, और वो तकलीफ थी उनकी ढेर सारी दौलत और बेशुमार प्रॉपर्टी। कुछ गलत लोग जो थे उनकी नज़रें टिकी हुई थीं उनकी इस जायदाद पे और कैश पे। बस इसीलिए वो अक्सर सोनम और उसके पति को परेशान किया करते थे। इसलिए दोनों ने इंडिया छोड़ दिया और अपने बेटे को लेकर पहले अमेरिका और उसके बाद यूरोप चले गए। काफ़ी अरसे तक वहाँ रहे, और जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो सन 2016 में सोनम ने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया और वापस इंडिया आ गईं। और साल भर के बाद सन 2017 में सोनम ने दूसरी शादी कर ली। उनके दूसरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका नाम है डॉक्टर मुरली पोडोवल। सोनम आजकल अपने दूसरे पति के साथ रहती हैं और फिल्मों में दोबारा काम करना चाहती हैं। सोनम कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दोनों दौर देखे हैं, खुशी का भी, डर और खौफ का भी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।